देखो दोस्तों, संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। संख्या पद्धति, देखो जैसे एक प्रश्न था, क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। निम्नलिखित में से किससे भाज्य है? देखो क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। निम्नलिखित में से किससे भाज्य है? ऑप्शन ए दे रखा है 3 से भाज्य, ऑप्शन बी दे रखा है 7 से भाज्य, ऑप्शन सी दे रखा है 21 से भाज्य, ऑप्शन डी दे रखा है इन सभी से। तो देखते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है ये किससे भाज्य है। जब हम इस नंबर को लिखें 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, जब इस पर ध्यान से देखते हैं, जैसे वाले प्रश्न को ध्यान से देखें, तो 4 की पावर 61 तीनों पदों में से कॉमन आ रहा है। क्या 4 की पावर 61 तीनों पदों में से कॉमन या वैनिश लेने पर यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा प्लस यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 की पावर 61 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4 प्लस 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16। 4 चौका 16, इसको 4 की पावर 2 को 16 ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। इसको अगली कड़ी में हल करें तो देखो 4 की पावर 61 1 प्लस 4 प्लस 16, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 61 कोष्टक में 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 प्लस 16 21। इसको कोष्टक को जैसे ही हटाएंगे 21 मल्टीप्लाई 4 की पावर 61। देखो जब दो संख्या गुणा में दी होती है, मल्टीप्लाई में दी होती है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 25 या इसको 30 लिख दो, जब इस वाली संख्या में, इस प्रकार की संख्या में किसी संख्या से भाग दे, मान लो 2 से दे दिया, ठीक है, तो किसी एक संख्या को यदि ये 2 विभाजित करता है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित मानी जाती है। जब किसी एक संख्या को ये 2 से विभाजित करता है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम 5 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 150 आएगा, 150 में 2 से भाग देंगे तो 150 भी 2 से भाज्य होगा। तो हम अलग अलग भाग देके देखें तो भी विभाजित है, इस प्रकार भाग देके देखें तो भी विभाजित है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों संख्या में से यदि कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या विभाजित होगी। और जब यह पूरी संख्या विभाजित होगी तो इससे ये मतलब निकलता है कि ये वाली जो संख्या दे रखी है ये पूरी संख्या विभाजित हो गई। भाई इसी संख्या का मान तो ये दे रखा है, जब इसमें से कोई एक संख्या विभाजित हो गई तो ये पूरी विभाजित मानी जाएगी, जब ये पूरी विभाजित मानी जाएगी तो ये विभाजित मानी जाएगी। अब देखो इसमें से 21 ऑप्शन में, देखो हमारा 21 से ये संख्या विभाजित होगी, क्या हो जाएगी 21 से एक बार ये हो जाएगा तो पूरा विभाजित हो गया। 7 से 21 विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा 7 से 21, तो हम इसका आंसर मानेंगे। अर्थात ये 3 से विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है, 21 से विभाजित हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा ये सभी से विभाजित होगा। किससे? सभी से विभाजित होगा, ये वाला प्रश्न सभी से विभाजित होगा। आगे इसी प्रकार की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आगे और पढ़ें तो, किसी संख्या में
किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, 2, 3, 4 बचते हैं। तो उसी संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग दें, तो क्रमशः शेषफल कितने कितने आएंगे, कितने कितने प्राप्त होते हैं। देखो ये प्रश्न दे रखा है, जब किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, तो उसी संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग देने दें तो क्रमशः शेषफल क्या बचेंगे। देखो ये कह रहा है सबसे पहले 4 से भाग दो, हमें पता नहीं कोई संख्या, उसने संख्या बताई है, संख्या है एक्स, किसी संख्या, ये कह रहा है कोई संख्या, सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। वो कह रहा है कि 4 से भाग दें तो शेष बचेगा हमारा, 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, यदि हम 5 से भाग देंगे उसी संख्या में तो शेष बचेगा हमारा, 4 से भाग दे दिया शेष 2 बचेगा, जो भाग जाएगा क्रमशः कह रहा है, ये क्रमशः लगातार, तो जो भाग जाएगा उसमें दोबारा से 5 से भाग दें तो हमारा शेष बचेगा 3, और 7 से भाग दें तो हमारा शेष बचेगा 4। फिर कह रहा है कि जो संख्या आ जाएगी शेष बचने पर, लास्ट में जो संख्या आएगी, हमारी जो संख्या है उस संख्या में यदि हम क्रमशः 7 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, और 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक विधि जो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल मल्टीप्लाई भाजक प्लस शेषफल, इस वाले सूत्र को यूज करते चलेंगे और हम अपनी संख्या को निकालेंगे सबसे पहले, फिर उस संख्या में दोबारा से संख्या का क्रमशः भाग देते चलेंगे और शेषफल निकालते चलेंगे। जैसे मान लिया हमने कि कोई संख्या x दी हुई है और हमने सबसे पहले उसमें 4 से भाग दिया था तो हमारा शेष बचा था 2, फिर हमने हमारी संख्या यहाँ पर कोई संख्या आई होगी उसमें हमने 5 से भाग दिया था तो हमारा शेष बचा था 3, हमको पता नहीं है कौन सी संख्या थी, फिर जब हमने 7 से भाग दिया था तो हमारा शेष बचा था हमारा 4, जब हमने 7 से भाग दिया था तो हमारा शेष बचा था 4, तो हमारा शेष जब 4 बचा था तो कम से कम हमने एक बार तो भाग दिया होगा तो हमारा शेष 4 बचा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ एक करेंगे, जैसे हमारा भाग मान लो एक बार गया होगा तो हमारा शेष जो 4 बचा होगा। अब हम ये क्या है, देखो ये तो भाज्य है, ये क्या है भाज्य, अगली वाला ये क्या है जिससे हम भाग देते हैं भाजक, और ये क्या है शेषफल। ये हमारा जो एक है ना, ये इस वाली संख्या के लिए भागफल का काम करेगा, किसका, भागफल का, क्योंकि हमारा एक बार भाग गया होगा तो जो एक बार भाग गया होगा वो भागफल होगा, लेकिन यहाँ जो संख्या आएगी वो भाज्य होगी, यहाँ क्या संख्या आएगी भाज्य आएगी, यहाँ क्या आएगा भाज्य,
इस वाली संख्या के लिए यहाँ भाग फलाएगा, इस वाली के लिए यहाँ भाग फलाएगा, लेकिन इस संख्या के लिए ये भाज्य है, इस संख्या के लिए ये भाज्य, इस संख्या के लिए ये भाज्य है, ध्यान देना है। ये क्या है भागफल, ये क्या है इस संख्या के लिए, ये भागफल, इस संख्या के लिए ये भागफल, इस संख्या के लिए ये भागफल, ध्यान देना है। ये सात है ना, इसके लिए एक भागफल आया है, एक बार भाग दिया होगा तभी तो हमारा शेष चार बचा होगा, तो ये भागफल। अब ध्यान दो, यहाँ हमें ये वाला भाज्य निकालना है, ये वाला क्या निकालना है, इस संख्या का ये भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना दे रखा है एक, मल्टीप्लाई भाजक, भाजक कितना दे रखा है सात, प्लस शेषफल कितना दे रखा है चार। इसको जैसे ही हम हल करेंगे, सात एकम सात और चार ग्यारह, कितना आ रहा है ग्यारह। इस सात के लिए भाज्य आ गया ग्यारह, शेषफल आया है, शेषफल आया है चार और भागफल आया है एक। तो यहाँ ये जो ग्यारह है, ये जो ग्यारह आया है इस सात के लिए तो भागफल का काम करेगा, सॉरी सर सॉरी, सात के लिए तो भाज्य का काम करेगा और पाँच के लिए भागफल का काम करेगा, पाँच के लिए भागफल, ठीक। इसी प्रकार जैसे सात के लिए ये भागफल था, इसी प्रकार पाँच के लिए ये भागफल। अब इस पाँच के लिए भाज्य निकालना है हमें, तो ये वाली सबसे पहले क्या लिखो, भाज्य बराबर, इस वाले के लिए करना भाज्य, तो ये क्या है भाजक, सबसे पहले यहाँ भाजक लिखना है हमें पाँच, मल्टीप्लाई भागफल लिखना है, भागफल कितना आएगा ग्यारह, प्लस शेषफल कितना आ रहा है तीन, जैसे ही ग्यारह पंजे पचपन और तीन करेंगे तो अट्ठावन आएगा, क्या आएगा अट्ठावन, ये अट्ठावन यहाँ आएगा। तो ये जो अट्ठावन आया है ये पाँच के लिए तो भाज्य का काम करेगा और ये चार के लिए भागफल का काम करेगा, किसका काम करेगा भागफल का काम करेगा। अब इसके लिए जैसे ही हम हल करेंगे, इस भागफल के इस ऊपर वाले एक्स भाज्य के लिए, ये जो एक्स है ये चार के लिए भाज्य का काम करेगा, तो जैसे यहाँ भाज्य निकालना है हमें एक्स, क्या निकालना है एक्स, जैसे ही हम एक्स निकालेंगे तो भागफल, भागफल कितना है अट्ठावन 58, मल्टीप्लाई भाजक कितना है चार, शेषफल कितना है दो। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो एक ये आएगा 6×24 240, 240 में से ये चला जाएगा तुम्हारा 4×32, ये दो आठ तीन, 4×5 20 और 3×23 232 प्लस 2 इक्वल टू 234, ये हमारा जो भाज्य है यहाँ आएगा 234। अब ये कह रहा है किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचते हैं। देखो जब हम ये तो 234 संख्या आई है, इसमें 4 से 5 से 7 से भाग देंगे तो ये हमारे शेषफल आएंगे। देखो भाग दे के दोबारा देखते हैं हमारी 234 सही आई है या गलत आई है। जैसे हम 4 से भाग देंगे, 4×5 20, 4×6 24 ज़्यादा चलेगा, 4×5 20, 5 बार गया भाग, 3 बचे शेषफल, ये 34 बता लिया, 4×8 32, 8 बार गया 2 शेष बचा, 2 यहाँ आ गया। देखो 5 से भाग दिया इसमें 58, 5×5 यहाँ 1 बता लिया बचा 8, तो 5×5 3 शेष बचा, ये 3 रख दिया, यहाँ 7×7 और 4 शेष बचा, ये आ गया। देखो अब इस 234 में ये कह रहा है कि ये जो 234 संख्या थी, क्या थी 234 जो संख्या थी, इसमें क्रमशः हमें 7 से भाग देना है, फिर 5 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है, तो जो शेष आएंगे वो बताने हमको। जैसे ही इसने 7 से भाग दिया तो 7×2 14, 7×3 21, 3 बार जाएगा 2 शेष बचेगा, और यहाँ 2 पे जैसे ही 4 उतारेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 7×3 21, फिर बचा 3 शेष। जैसे यहाँ 5 से देंगे 5×6 30, शेष कितना बचा 3, यहाँ 4 से देंगे 4×1 4, शेष कितना बचा 2। अतः लगातार उसी संख्या में 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल, ये शेषफल है 3, 3, 2 क्रमशः 3, 3, 2 आंसर। अतः जैसे ही हम 7 से 5 से 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा ये आएगा, ठीक है। इस वाले प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ गया तो अच्छे अच्छे के पसीने छुड़वा देगा। देखो एक अलग क्वेश्चन और लेते हैं, अलग टाइप का प्रश्न,
एक क्वेश्चन है कि नहीं दो संख्याओं का योग किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है एवं अंतर 14 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो दो संख्याओं का योग 70 दे रखा है, उनका अंतर 14 दे रखा है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए योग और अंतर को एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक बार घटा के 2 का भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या आ जाएंगी जैसे 70 प्लस 14 अपॉन में 2, ये हो गया 84 अपॉन में 2 बराबर 42। एक संख्या तो 42 आएगी, दूसरा आएगा 70 माइनस 14 अपॉन 2 बराबर में ये आ गया 66, नहीं ये आएगा 56। 56 में 2 का भाग देंगे, 2 2 4 2 8 16 28। देखो इन संख्याओं को जैसे ही जोड़ेंगे तो 70 आएगा और इन संख्या को जैसे ही घटाएंगे तो हमारा 14 आ रहा है। ठीक है, जैसे इन संख्या, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं को योग करने पर, दोनों संख्याओं को योग करने पर 42 और 28 को योग कर दो, 42 प्लस 28 2 8 10 की 0 आंसर 1 4 2 6 और 1 7। ये कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर योग करने पर 70 आ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 14 आ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर करो 42 माइनस 28, जैसे ही घटाएंगे 12 में से 8 गया तो 4 या 3 रहेगा, 3 में से 2 गया तो 1, दोनों संख्याओं का अंतर 14 आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारा जो दोनों संख्याएं हैं 42 और 28 ये सही है, अतः इसका आंसर 42 और 28 हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं करें तो इसका दूसरा उपाय भी है, दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से जैसे इसने बता रखा है कि दो संख्याओं का योग 70 है, हमको पता नहीं है कौन सी संख्या है, क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, जोड़ना है कि घटाना है, हमको कोई पता नहीं है, इसलिए कह रखा है कि दो संख्याओं का योग 70 है, तो हमें पता नहीं संख्या कौन कौन सी है, लेकिन मान लेते हैं जब पता नहीं, जब हमको कुछ पता नहीं होता तो हम मान तो सकते हैं, हमने मान लिया दो संख्या एक्स और वाई हैं। ठीक है, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 70 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 70 कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाव होता है, तो एक्स वाई का अंतर, अंतर कह रहा है ये 14 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 14। जैसे ही हम इसको हल करेंगे इन दोनों समीकरण को, समीकरण एक समीकरण दो, जैसे ही हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ने पर समीकरण एक प्लस दो करने पर, जैसे ही एक और दो को जोड़ते हैं तो ये तो हो गया 2x प्लस से ये माइनस वाई कट गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 84। जैसे ही x का मान निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, 84 अपॉन 2 भाग देंगे तो संख्या आएगी हमारी 42, अर्थात x का मान आ गया कितना 42। एक संख्या थी x जो हमने मानी थी उस संख्या का मान आ गया 42, किसी भी हम सूत्र में रख सकते हैं, जैसे पहले वाले समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर 42 रखो प्लस y इक्वल टू 70। जैसे ही हम बाई को पक्षांतरण करेंगे तो बाई नहीं, एक्स का मान 42 है जो दूसरी साइड में पहुंचाएंगे तो बाई इक्वल टू आएगा 70 माइनस 42। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो बाई बराबर 28। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई, अर्थात जो संख्याएं हैं हमारी 42 और 28 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कुछ प्रश्नों को जैसे ही हल करेंगे, देखो देखो एक प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन है 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं,
200 से 500 के बीच विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? हम उनको हल करके देखते हैं। जैसे हम विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 200 के जो नज़दीक होगी, 200 से जो आगे होगी, और उसमें 200 का उसमें 13 का भाग जाएगा, कितना 13 का भाग जाएगा। और दूसरी संख्या हमारी 500 से छोटी होगी, उसमें 13 का भाग जाएगा। अब देखो हम कैसे देखते हैं, मैंने बताया था जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल बचते हैं, दो शेषफल बचते हैं। जैसे 200 में भाग देंगे हम, इसके बीच में संख्या निकालनी है, बीच में संख्या ज्ञात करनी है। अब वो कितनी संख्या है हमको पता नहीं, ठीक है। जैसे ही हम इसमें भाग देंगे 13 का, 13 दुनी 26, ज़्यादा चला जाएगा लेकिन 13 एकम 13, बचा 7, कितना बचा 7। जैसे ही 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 13 दुनी 26, 13 43, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिकी 78, ज़्यादा जाएगा तो शेष कितना बचेगा, प्लस 5 शेष बच रहा है। और दूसरा शेष कितना बचेगा, मैंने बताया था जैसे ही दूसरा वाला शेष निकालेंगे तो दूसरे शेष निकालने के लिए हम 13 में से 5 पहले वाले शेष को घटा देंगे। जैसे ही 13 में शेष घटाएंगे तो 8 शेष बचेगा, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, और 8 जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। ओके, यहाँ जैसे ही हम शेष निकालेंगे तो 13 का भाग देंगे 50 में सबसे पहले, 13 दून 26, 13 दून 43, 13 चौका 52, ज़्यादा जाता है 13 तीन 39, 11 शेष बचेंगे। 11 पे जैसे ही हम 0 रखेंगे तो 13 नम्मा 117 होते हैं, लेकिन 13 104, 13 कितने होते हैं 104, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 सत्तर 91, 13 104, 13 कितने होते हैं 104। जैसे ही 104 होंगे तो ये 110 है, यहाँ कितना शेष बचेगा 6, कितना शेष बचेगा 6 प्लस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे 6 शेष बचेगा तो हमारी जो संख्या होगी उसको इसमें से घटा के देखेंगे तो जो 13 से विभाजित होने वाली संख्या होगी ना वो होगी हमारी 500 माइनस 6 बराबर 494। देखो भाग देखे देखो, 13 एकम 13, 13 दून 26, 13 तीन 39, बचे कितना 10, 10 पे 4 उतारेंगे तो 104 हो गया, 104 होता है, ठीक है। भाग देके देख लो कितनी बार जाएगा, ये हुआ 13 दून 26, 13 तीन 39 और 108 104, 38। इधर जैसे ही भाग देंगे, जैसे पहली संख्या तो पता नहीं है लेकिन इससे पहली का भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 8 में, तो अब ये 8 शेष बच रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले हमारा 200 में जैसे ही हम 13 का भाग देंगे तो हमारी 200 से जो पहली संख्या होगी वो तो होगी 195, इतनी 195, क्योंकि 5 शेष बच रहा है। और जैसे 13 से आगे वाली संख्या देखेंगे, 200 से आगे वाली संख्या, तो उसमें 200 में 8 ऐड कर देंगे, 208 होगी, ठीक है। जितनी संख्या जो 195 बार भाग जा रहा है, 195 भाग जा रहा है, भाग देके देखेंगे 13 13, यहाँ 13 ये बचेगा 13 6 19 6 65, 13 5 65, 38 में से जैसे ही हम 65 घटाएंगे, देखो 15 संख्या ऐसी हैं जो 200 से पहले हैं, 15 संख्या ऐसी हैं जो 13 से विभाज्य हैं और 200 से पहले हैं, तो हमें उनको तो कम करना पड़ेगा। लेकिन कुल संख्या ऐसी हैं, 38 संख्या ऐसी हैं जो 500 से 13 से तो विभाज्य हैं और 500 से छोटी हैं, एक से लेके 500 तक की संख्याओं में टोटल 38 संख्या ऐसी हैं जो 13 से विभाजित हैं, 38 संख्या ऐसी हैं जो 13 से विभाजित हैं, लेकिन उसमें से 15 जो 200 से विभाजित है उसको घटा दें तो हमारी 200 और 500 के बीच में विभाजित संख्या आ जाएंगी, अर्थात 13 से विभाजित होने वाली से 500 के बीच की संख्या बराबर 38 माइनस 15 बराबर आएगा हमारा 23 आंसर। इसको आप उतार सकते हैं, आगे का प्रश्न देखें। दो अंकों की संख्या और उससे उलटने से बनी नई संख्या, देखो एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन क्या, सीधा का सीधा पेपर में आता है। जैसे दो अंकों की संख्या
एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। देखो ये स्टेटमेंट है, इसको सिद्ध करके देखते हैं। ये कह रहा है दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या ले लो दो अंकों की, कोई भी दो अंकों की संख्या लेने पर यदि उसके अंकों को बदलते हैं और उसका योग करते हैं तो योग करने पर जो संख्या बनेगी वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। और यदि संख्या को दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को बदलने पर जो संख्या बनती है उस संख्या का यदि अंतर निकालते हैं तो वह हमेशा 9 से विभाजित होता है। देखो ये प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की मान लो कोई संख्या ले ली हम 35, ठीक है, एवं उसके अंकों को बदलने पर, अंक बदल दो इसके, ये जो 35 संख्या ली है दो अंकों की, इसके अंक बदल दो, अंक बदलने पर क्या हो जाएगा 53। ये कह रहा है अंकों को उलटने पर या बदलने पर बनी संख्या का योग, इसको जोड़ दो, बनी संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। देखते हैं इसका जो योग आएगा, जोड़ आएगा, वो 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसको 5 और 3 8 5 और 3 8 88, ये जो 88 आया ये 11 से विभाजित है क्या बताओ? 11 8 88 88, 8 बार भाग जाएगा, अर्थात ये हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है। दूसरी कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई संख्या ले लो 45, कोई संख्या ले लो 45, इसका अंकों को चेंज कर दो, अंकों को उलट दो, अंकों को उलटने पर क्या संख्या बनेगी 54। इसके अंकों को जैसे ही हम संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9 5 और 4 9 99, ये कह रहा है कि हमेशा 11 से विभाजित होती है जो संख्या योग करने पर। बताओ 99 11 से विभाजित होगी क्या? 11 99 9 बार भाग जाएगा, सिर्फ 0 बचेगा, अर्थात पूरी 11 से विभाजित है। कोई और एग्जांपल देखें इसी प्रकार का, जैसे कोई संख्या 29 ले लो, ठीक है 29 लेके देखते हैं, 29 ले लिया, अंकों को चेंज कर दो, 92 हो गया। इसको जैसे ही ऐड करेंगे हम 9 और 2 11 किए कैंसिल, 1 9 और 2 11 और 1 12 121, क्या 121 11 से विभाजित होगा? देख के देखते भाग, 11 एकम 11 बची 1 से 11 एकम 11 11 बार जाएगा, ठीक है। कोई और भी संख्या लेके देखते हैं, जैसे 27 लिया, अंकों को चेंज किया तो ये बेहतर हो गया, जैसे ही हमने ऐड किया, ऐड करने पर 7 और 2 9 7 और 2 9 99 आ रहा, क्या 11 से विभाजित है? 11 99 99, अर्थात हम कोई सी भी संख्या लेते हैं और उसके अंकों को चेंज करते हैं, अंकों को चेंज करने के बाद योग करते हैं, जो योग आता है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है, यही ये स्टेटमेंट कह रहा है, अर्थात ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट यहीं से बनता है, इसी जगह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जैसे दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, 11 से नहीं 9 से विभाजित होता है। यहाँ क्या आएगा 9, अर्थात योग करेंगे तो 11 से विभाजित होगा, अंतर करेंगे तो 9 से विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या ले लो 23, इसको छोड़ो, कोई संख्या ले लो 32, ठीक है, अंतर इसके अंकों को बदलेंगे तो 23 बनेगा। इसका जैसे ही अंतर करेंगे, अंतर करके देखो 12 में तो 3 गया तो 9, या 0 बचा 9, 9 ही आया, ये जो 9 है वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, ये स्टेटमेंट सही बैठ रहा है। यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ली 71 के अंकों को जैसे ही चेंज करते हैं तो ये 17 हो जाएगा, इसको अंतर करते हैं इसका तो 11 में तो 7 गया तो 4 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से गया तो 5 बचा, 5 हमारा ये 54 हो गया, 54 हमारा 9 से डिवाइड है क्या? नहीं है, 9 6 54, 6 बार डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये भी हमारी 54 भी 6 बार 9 से विभाजित है। अर्थात इससे, इन दो उदाहरणों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जब दो अंकों की संख्या लेते हैं, उसके अंकों को चेंज करते हैं और उसका अंतर करते हैं तो जो संख्या आती है वो 9 से विभाजित होती है। हम इस प्रकार के और उदाहरण भी लेके देख सकते हैं, आप उदाहरण लीजिए और आगे के प्रश्न, इसी प्रकार के और प्रश्नों को हल करके देखिए, यदि सही बैठता है तो और उदाहरण करिए, यदि गलत बैठता है तो कमेंट बॉक्स में दोबारा समझने के लिए हमें संकेत करें। आगे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे प्रश्नों की श्रृंखला में चलें आगे, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय के समुच्चय को कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक और, आगे प्रश्न है, एक क्वेश्चन दे रखा है,
प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, पूर्णांक संख्या बी दे रखा है, प्राकृत संख्या पहला ऑप्शन दे रखा है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी दे रखा है प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी दे रखा है वास्तविक संख्या, ऑप्शन डी दे रखा है दशमलव संख्या। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी दे रखा है प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी दे रखा है दशमलव वास्तविक संख्या, ऑप्शन सी डी दे रखा है दशमलव संख्या। मैंने थ्योरी के माध्यम से लिखाया है कि प्रमेय प्लस अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले ये थ्योरी के अंदर लिखा चुका हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्न में से कौन सा सत्य है, आगे का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सत्य है, आपको सत्य छांटना है, कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ऑप्शन ए दे रखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ऑप्शन बी दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन बी दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ऑप्शन सी दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ऑप्शन डी दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, सत्य कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें यह प्रश्न के आंसर छांटने हैं, आप छांट के बताइए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है जीरो से चालू, जीरो एक दो तीन आप लोग जानते हैं अनंत तक, ठीक है। तो ये कह रहा है जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है एक दो तीन चार डेड डेड अनंत तक, ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है का। भाई ये जो जीरो है, जीरो को प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, और सभी पूर्ण संख्या अर्थात ये ऐसे कहता है शून्य को छोड़ के प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो हमारा सही हो जाता है, लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जो हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होती, अर्थात प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। भाई पूर्णांक ये होते ही हैं इधर -1, -2, -3 ये भी होते हैं। अब परिमेय संख्या में सभी पूर्णांक आते हैं और सभी पॉइंट वाली दशमलव संख्या भी आती है, तो ये वाला प्रश्न हमारा
ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, अर्थात ये जो संख्या है ना, इस प्रत्येक संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के नीचे एक लिखा हुआ है, क्या एक लिखा हुआ है, एक पूर्णांक लिखा हुआ है, अर्थात सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। और ऑप्शन को देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या मान लो कोई संख्या एक बटे दो, क्या यह पूर्णांक होगी? जितनी भी भिन्न वाली संख्या होती है वो कभी पूर्णांक नहीं होती, और भिन्न वाली परिमेय, भिन्न वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, अर्थात ये जो संख्या है भिन्न वाली, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये वाला प्रश्न भी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये वाला भी हमारा गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, अब ये सभी पूर्णांक हैं, क्या ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? क्या नहीं होते, ये माइनस वाले कभी पूर्ण संख्या नहीं होते, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ये वाला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। करो क्वेश्चन, आज क्वेश्चन की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, कल कुछ और प्रश्न देख के संख्या पद्धति को समापन की ओर अग्रसर करेंगे।